दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश कुमार। एक और नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप नेक्सा प्रोजेक्ट में काम करके पैसे कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ कि आईडी क्रिएट कैसे करनी है, यानी कि ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क से कैसे खुद की आईडी बनाना है, आईडी बनाने के बाद कैसे हमको स्टेकिंग करना है, दैट मींस आईडी को एक्टिवेट करना है, और किस प्रकार से रेफर लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। कंप्लीट प्रोसेस एक ही वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और एक छोटा सा बात भी है कि अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेंगे तो YouTube पे किसी और वीडियो को सर्च करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे और कंप्लीट प्रोसेस शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही लास्ट में अगर आपका कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी या कोई सवाल रह जाएगा नेक्सा ब्लॉग से रिलेटेड, तो कमेंट में पूछना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि मैं आपको प्रॉपर रिप्लाई देता हूँ। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ अपने मेटामास्क अकाउंट में, और यहाँ पर मैं कंप्लीट प्रोसेस आपको बता देता हूँ कि कैसे हमें फ्री में रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे हमें फ्री में 1000 टोकन मिलेगा, कैसे हमें डेली रिवॉर्ड लेने के लिए क्लेम करना है, और साथ ही साथ अगर आपके पास एक्स्ट्रा एनसीओ है तो कैसे आप एक्स्ट्रा एनसीओ को यूज करके और आप एक्स्ट्रा स्टेकिंग कर सकते हैं, जैसे 25,000 का, 50,000 का, 1,00,000 का, कैसे आप स्टेकिंग करके और लेबल इनकम लेने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। कंप्लीट प्रोसेस एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ। लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे एनक्रिप्टो में रजिस्ट्रेशन करना है, और लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि अगर एक ही मोबाइल में आप मल्टीपल आईडी बनाना चाहते हैं तो वो कैसे बना सकते हैं। जैसे मेटामास्क में अगर आप 10 आईडी बनाना चाहते हैं, अगर आपके पास 10 मोबाइल नंबर है तो कैसे बनाएंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी नहीं रहेगा, और यूट्यूब पर किसी और वीडियो को देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं और कंप्लीट प्रोसेस शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको मेटामास्क में आना है, और मेटामास्क में आने के बाद नीचे में दोस्तों यहां पर आपको ब्राउजर पर क्लिक करना है। जैसे ही ब्राउजर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा ऑप्शन ओपन हो जाएगा। दोस्तों यहां पर दे रहा है सर्च और टाइप यूआरएल, तो सिंपली दोस्तों यहां पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पे आपको रेफरल लिंक डालना है, जिसके रेफर लिंक से आप ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आपके पास एक बेहतर अपलाइन है, अगर आपके पास एक बेहतर लीडर है जो आपको सपोर्ट करता है, आपके मैसेज के रिप्लाई करता है, आपको हमेशा गाइड करता है, तो आप उनके रेफर लिंक को यहां पर पेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई बेहतर अपलाइन नहीं है तो दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, आप उसको ज्वाइन करके मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और टेलीग्राम का भी ग्रुप है, वहां से आप रेफर लिंक ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं, एक सेकेंड। तो यहां पर देख सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने लिंक शेयर कर रखा है, तो सिंपली इस लिंक को कॉपी कर लेना है इस प्रकार से, और मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर करके रखा हूं इस प्रकार से। टेलीग्राम ग्रुप में आप जैसे ग्रुप में आएंगे तो आपको इस प्रकार से दिखेगा। सिंपली क्या करना है, आपको लिंक पर क्लिक करके रखना है और कॉपी कर लेना है। व्हाट्सएप से या टेलीग्राम से कॉपी कर लिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है वहां से आप कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद सिंपली दोस्तों आपको अपने मेटामास्क में आना है और यहां पर पेस्ट कर देना है इस प्रकार से, ठीक है। अगर आपके पास, मैंने बता रहा है, अगर आपके पास बेहतर अपलाइन है तो आप अपने अपलाइन का पेस्ट करें यहां पर रेफर लिंक, और अगर आपके पास बेहतर नहीं है तो फिर आप मेरा रेफर लिंक से भी आईडी बना सकते हैं और फ्री में 1000 टोकन ले सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर आपको पेस्ट करके सिंपली यहां से कीबोर्ड में सर्च बटन है, यहां से सर्च पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहां पे नेक्सा ब्लॉग का जो आईडी है ना, जो वेबसाइट है, वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कनेक्ट वैलेट, सिंपली आपको कनेक्ट वैलेट पे क्लिक करना है। उसके बाद मेटामास्क पे क्लिक करना है। मेटामास्क पे क्लिक करेंगे तो यहां पे आ जाएगा आपका कनेक्ट का ऑप्शन, तो आपको सिंपली कनेक्ट पे क्लिक कर देना है, तो आपका जो वैलेट है वो इस वेबसाइट्स के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट सक्सेसफुली, कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आएगा। दोस्तों सिंपली यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देना है। दोस्तों यहाँ पर आईडी बनाने के लिए मोबाइल नंबर कंपलसरी है, एक मोबाइल से एक ही आईडी बनेगा। अगर आपके पास 10 मोबाइल है तो आप 10 आईडी बना सकते हैं, उसके लिए अलग प्रोसेस है, तो वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। तो सिंपली यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है और सबमिट पे क्लिक करना है। तो मैं यहां पर मोबाइल नंबर डालने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देता हूं। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, जिस ओटीपी को यहां पर टाइमर खत्म होने से पहले डालना है यहां पर प्रॉपर जगह पे। तो देख सकते हैं यहां पर मेरा आ चुका है 56,93,19। तो दोस्तों यहां पर मैं डाल देता हूं 56,93,19 मैं डाल चुका हूं। दोस्तों अगर आपका मोबाइल नंबर गलत है, ओटीपी नहीं आ रहा, तो यहां से क्लिक करके दोबारा मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, और ओटीपी अगर टाइमिंग आउट हो गया तो दोस्तों यहां पर देखिए रीसेंड है, आप दोबारा ओटीपी भेजकर भी ओटीपी दोबारा मंगा सकते हैं, और सिंपली यहां पर ओटीपी डालने के बाद सबमिट कर सकते हैं। जैसे ही सबमिट करेंगे तो देख सकते हैं ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली, और यहां पर आपका आईडी कंप्लीट बन चुका है, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आपकी आईडी बन गई है। अब दोस्तों बारी आती है यहां पर एक्स्ट्रा
आपको यहां पर मांगेगा नेक्स्ट का ऑप्शन, जिससे आपकी वैलेट में स्टेकिंग होगा ऑटोमेटिक 1000 का। तो यहां पे आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद फिर से आपको यहां पर अप्रूव पे क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही अप्रूव करेंगे तो ऑटोमेटिक यहां पर एक ट्रांजेक्शन होगा और टोकन ऑटोमेटिक 1000 टोकन का स्टेकिंग हो जाएगा। दोबारा यहां पर कन्फर्म का ऑप्शन आएगा, तो सिंपली आपको कन्फर्म पे क्लिक कर देना है, यानी कि एक बार नेक्स्ट करना है, एक बार अप्रूव करना है और एक बार कन्फर्म करना है। तो दोस्तों यहां पर सक्सेसफुली ट्रांजेक्शन होकर 1000 टोकन आपका आईडी भी बन जाएगा और 1000 टोकन फ्री में मिल जाएगा और ऑटोमेटिक वो डिपॉजिट भी हो जाएगा। देख सकते हैं लाइव प्रूफ मैं बता रहा हूं। तो यहां पर दोस्तों 1000 टोकन का स्टेकिंग हो चुका, बूम, दैट्स ग्रेट। इस प्रकार से इतना सिंपल और इतना आसान है माय डियर फ्रेंड्स यहां पर 1000 टोकन लेना। अब दोस्तों नीचे आएंगे यहां पर, तो आपको दिखेगा यहां पर रेफर लिंक, ये आपका रेफर लिंक है दोस्तों। कई बार इस प्रकार से आएगा, तीन ऑप्शन आएगा जिसमें आपके रेफर्ड बाई, जिसके रेफर से आप ज्वाइन किए उसका भी दिखेगा, और कई बार ऐसा आएगा। तो दोस्तों सिंपली यहां पर देखिए रेफर लिंक दिया हुआ, ये आपका रेफर लिंक है। सिंपली यहां से रेफर लिंक को कॉपी करना, इस प्रकार से कॉपी कर सकते हैं और कॉपी करके अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स के सर्किल में शेयर कर सकते हैं, जिसके वजह से वो भी आपके साथ ज्वाइन करेंगे, तो आपको यहां पर बेनिफिट्स होने वाला है। दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया। अब यहां पर डेली अपना रिवॉर्ड को क्लेम कैसे करना है, तो दोस्तों देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ क्लेम नाउ। यहाँ पर 2 मिनट बचे हैं मात्र क्लेम करने के लिए, तब तक मैं आपको डैशबोर्ड पूरा दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये मेन्यू है, सिंपली आप जैसे मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा डैशबोर्ड, उसके बाद आ जाएगा रेफर लिस्ट और उसके बाद आ जाएगा फंड। सिंपली डैशबोर्ड पे क्लिक करना है, देख सकते हैं यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स दिखाई देगा कि कितना लेबल इनकम आया है, कितना डायरेक्ट आपके मेंबर्स है, रैंक क्या है, आरओई कितना मिल रहा है, उसके बाद दोस्तों अनरिलीज्ड वैलिड माई टीम, आपकी टीम में कितने लोग हैं, एंड सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको दिखा देगा। उसके बाद आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है, फिर से रेफर लिस्ट पे जैसे क्लिक करेंगे रेफर लिस्ट पे, तो दोस्तों यहाँ पे आपके रेफर में कौन कौन है, आपके रेफर लिस्ट कौन कौन है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिख जाएगा। उसको फिर से मेन्यू पे क्लिक करते हैं और फंड पे आ जाते हैं। फंड पे आएंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपके वैलेट में जितना फंड रहेगा ना, जितना इनसीओ टोकन रहेगा, वो सारा सारा यहाँ दिखेगा। तो देख सकते हैं मेरे पास अभी 1.5 लाख टोकन है इनसीओ टोकन, और 1.5 लाख क्योंकि 15 लेवल इनका इनकम लेने के लिए 1.5 लाख का स्टेकिंग करना जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे 15 लेवल का इनकम लेना है, इसलिए मैं 1.5 लाख इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं खुद के रिस्क पे, आप करें खुद के रिस्क पे, क्योंकि ये एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो है। मैं कोई एडवाइजर नहीं हूं, फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, मैं एक यूट्यूबर हूं, तो मैं आपको जस्ट जानकारी दे रहा हूं, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर सिंपली आपको क्या करना है, स्टेकिंग करने के लिए, एक्स्ट्रा स्टेकिंग करने के लिए यहां पे आपको अमाउंट लिखना है। तो दोस्तों यहां पर मैं लिख देता हूं 2500, मैं 2500 का स्टेकिंग करना चाहता हूं। तो 2500 लिखने के बाद जैसे ही यहां पर कंफर्म पेमेंट पे क्लिक करेंगे, जैसे ही कंफर्म पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपका एक कंफर्मेशन मांगेगा, देख सकते हैं यहां पर बोल रहे कंफर्म करने के लिए। जैसे ही कंफर्म करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपका कंफर्म हो जाएगा और 2500 टोकन आपका स्टेक हो जाएगा। स्टेकिंग के लिए 2500 टोकन सक्सेसफुली हो चुका है, देख सकते हैं। हम नीचे आएंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पर 3500 टोकन हो चुका है, यानी कि अभी हमने 2500 का किया, और इससे पहले हमने 1000 का कंपनी ऑटोमेटिक हमको फ्री दी थी, अब देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार से दोस्तों आप स्टेकिंग बढ़ा सकते हैं। मान के चले मैं 25000 का स्टेकिंग करना चाहता हूं, तो दोस्तों यहां पर मैं क्या करूंगा, मैं और अमाउंट डाल दूंगा, मैं 22000 का स्टेकिंग और कर लेता हूं। तो मैंने यहां पर 22000 डाला, 22000 डालने के बाद कंफर्म पेमेंट जैसे मैं क्लिक करूंगा तो फिर से मुझे कंफर्मेशन एक मांगेगा। जैसे मैं फिर से कंफर्म करूंगा यहां पे, मैं आपको दिखा देता हूं। तो दोस्तों यहां पर जैसे कंफर्म करेंगे तो कई बार एरर आएगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा वेट कर लेना, आपको फिर से रिफ्रेश और रिलोड कर लेना है। रिफ्रेश और रिलोड कहाँ से करेंगे, तो नीचे में एक 3 डॉट का बटन है, सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद रिलोड पे क्लिक कर देना है। आईडी बनाते वक्त आपको बैक नहीं करना है, रिलोड नहीं करना है, आईडी बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, 1000 टोकन मिल जाएगा, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों फिर से हम यहाँ पर अमाउंट डाल देते हैं, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 22000 NCO, एंड उसके बाद हम लोग कर देते हैं कन्फर्म पेमेंट। जैसे कन्फर्म पेमेंट करेंगे फिर से हमें कन्फर्म का ऑप्शन मांगेगा, तो सिंपली मुझे कन्फर्म कर देना है। इस प्रकार से यहाँ पर हम कंफर्म कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पर ना सर्च हो रहा है, जब तक सर्च नहीं होगा तब तक कंफर्म नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे सर्च हो चुका है, हमें इतना फीस यहाँ पर कट रहा है, तो दोस्तों देखने के बाद और उतना गैस भी आपके पास रहना चाहिए, उसको कंफर्म करेंगे तो आपका स्टेकिंग फिर से सक्सेसफुली डन हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा 22000 यहाँ पे हो जाएगा, 3500 पहले था, यानी कि 25000 का स्टेकिंग हो जाएगा, 3 लेवल का इनकम हमें मिलना एक्टिवेट हो जाएगा। तो देख सकते हैं अब नीचे आएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर 25000 टोकन का स्टेकिंग हो चुका है एक्स्ट्रा, और अब हम 3 लेवल का इनकम ले सकते हैं। इसी प्रकार से आप अनलिमिटेड स्टेकिंग यहाँ पर आप कर सकते हैं। सो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि कैसे आईडी बनाना है, कैसे स्टेकिंग करना है, कैसे फ्री में रिवॉर्ड मिलेगा, कैसे हमें लेवल रिवॉर्ड को क्लेम करना है।
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्लेम रिवॉर्ड है, अभी मैंने दोबारा स्टेकिंग किया इसीलिए दोबारा टाइमर स्टार्ट हो गए है। तो यहाँ पर क्लेम नाउ के ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो रिवॉर्ड है ना वो यहाँ पे दिख जाएगा। ओके, अब देख लेते हैं कि दोस्तों मल्टीपल आईडीज से कैसे हम मल्टीपल आईडी बनाएंगे मल्टीपल मोबाइल नंबर से। तो मल्टीपल आईडी बनाने के लिए सबसे पहले इस आईडी को लॉग आउट करना होगा। लॉग आउट करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद सिंपली दोस्तों यहाँ पर परमिशंस पे आपको क्लिक करना है। जैसे परमिशन पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा डिस्कनेक्ट। सिंपली आपको क्या करना है, आपको डिस्कनेक्ट कर देना है। डिस्कनेक्ट करेंगे तो आप फिर से बाहर आ जाएंगे और बाहर आने के बाद आप दोबारा यहाँ पर रेफर आईडी डाल के, रेफर लिंक डाल के और दोबारा आईडी बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मल्टीपल वैलेट क्रिएट कर लेना है, यहाँ पे क्लिक करना है। देख सकते हैं मैंने तीन वैलेट क्रिएट कर रखा है, वैलेट वन, वैलेट टू एंड वैलेट थ्री। आपको और वैलेट क्रिएट करना है तो सिंपली आपको नीचे में ऐड पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको ऐड न्यू वैलेट पे क्लिक करना है। जैसे ऐड न्यू वैलेट पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका एक और वैलेट बन जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे चौथा वैलेट भी बन चुका है। इस प्रकार से आप 10 वैलेट बना सकते हो और अगर आपके पास 10 मोबाइल नंबर है तो 10 आईडी भी लगा सकते हो। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे हम मल्टीपल आईडी बनाएंगे, ये आपको क्लियर हो गया होगा। सिंपल बात है दोस्तों, मल्टीपल वैलेट को क्रिएट करना है और मल्टीपल मोबाइल नंबर से बार बार लॉग आउट करके आईडी बना लेनी है। दोबारा लॉग इन करना तो कैसे करेंगे, तो सिंपली दोस्तों मैं उसी अकाउंट में चल जाता हूँ जहाँ से मैंने आईडी बनाया है ना, और उसके बाद आपको फिर से क्या करना है, ब्राउजर में चल जाना है। ब्राउजर में जाने के बाद फिर से आपको कनेक्ट वैलेट पे क्लिक करना है, फिर से मेटामास्क पे क्लिक करना है और फिर से आपको कनेक्ट वैलेट पे क्लिक कर देना है। तो आपकी आईडी पहले वाली कनेक्ट हो जाएगी और आपकी पहले वाली आईडी खुल जाएगी। मतलब जो भी वैलेट ओपन करना चाहते हैं वो वैलेट खोलकर और उसमें आपको कनेक्ट वैलेट कर देना है तो वो आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। सो आई होप आपको कंप्लीट चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब एक लास्ट और फाइनल मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे हम एनक्रिप्टो में आईडी बनाएंगे। तो चलते हैं एनक्रिप्टो में। एनक्रिप्टो में जाने से पहले यहाँ पर रेफर लिंक कॉपी कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मैंने रेफर लिंक कॉपी कर लिया है। अब चलते हैं एनक्रिप्टो वैलेट में। दोस्तों एनक्रिप्टो वैलेट में शायद रिकॉर्डिंग नहीं होता, हो सकता है मेरे सामने आपका जो मोबाइल है वो ब्लैंक दिख रहा होगा, आपके सामने मेरा फोन। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ब्राउजर में आ जाना है, मैं फोटो ऊपर से डाल दूंगा। ब्राउजर में आने के बाद आपको ऊपर में अपना रेफर लिंक सेंड करना, शेयर अपना रेफर लिंक पेस्ट करना है जिसके रेफर लिंक से आप ज्वाइन कर रहे हैं। उसके नीचे में आपको फिर से क्या करना है, तो फिर से ओके पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जो है ना वो आपका रेफर लिंक का वेबसाइट ओपन हो जाएगा, ठीक है। ओपन होने के बाद सिंपल प्रोसेस है दोस्तों, यहाँ पर इथेरियम है, सिंपली इथेरियम पे क्लिक करके यहाँ पर नेक्स्ट भी कर देना है क्योंकि हम नेक्स्ट भी के ब्लॉकचेन से काम कर रहे हैं। नेक्स्ट भी के ब्लॉकचेन पे क्लिक करने के बाद अब दोस्तों आपको क्या करना है, एक बार सर्च होगा, सर्च होने के बाद यहाँ पे आपको कनेक्ट वैलेट का फिर से ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों फिर से कनेक्ट वैलेट पे क्लिक कर देना है और यहाँ से सारा प्रोसेस पता ही है कि दोस्तों यहाँ पर मेटामास्क है, यहाँ पर व्यू ऑल वैलेट्स है। दोस्तों मेटामास्क पे क्लिक ना करके यहाँ पे आपको एनक्रिप्टो खोजना पड़ेगा व्यू ऑल वैलेट्स पे क्लिक करके, और एनक्रिप्टो पे क्लिक करेंगे तो आपका वैलेट कनेक्ट हो जाएगा और फिर बाकी आगे का प्रोसेस पता ही है, मोबाइल नंबर डाल के किस प्रकार से सारी चीज़ें करना है। सो आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, सारी क्वेश्चंस क्लियर हो गई होंगी। इस वीडियो को आगे शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, रिलेटिव्स में, ग्रुप्स में। एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, मैंने बहुत मेहनत किया इस वीडियो में, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।